और बड़ी खबर यह है, हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना का बयान आया है। हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना का बयान आया है और हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और जांच तेजी से होगी और तेजी से जांच कर हम सच्चाई सामने लाएंगे और बेबुनियाद अटकलों से बचें। बेबुनियाद जो अटकलें या आशंकाएं व्यक्त की जा रही उनसे बचें, मृतकों की गरिमा का सम्मान करें। इंडियन एयरफोर्स का बयान, इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि जांच चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, चल रही है, जांच होगी और जांच में सच्चाई सामने आएगी। तेजी से जांच चल रही है और कम वक्त में जांच अंजाम तक पहुंचेगी और बेबुनियाद अटकलों से बचें। बहुत अटकलें लगाए जा रहे हैं, अटकलों से बचें। जो मृतक हैं, मृतकों से सम्मान करें। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल विशंबर दयाल जी जुड़ गए हैं। विशंबर दयाल जी, इंडियन एयरफोर्स कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो अटकलें लग रहे हैं, जो कुछ बहुत सारे लोग आशंकित हो रहे हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है ये हुआ हो सकता है वो हुआ हो, इस तरह की आशंकाओं से बचें, भरोसा रखें, जांच होने दीजिए, सच्चाई सबके सामने आएगी। देखिए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात एयरफोर्स ने, मैं समझता हूँ इस किस्म की अपील बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह की, लोगों ने इतना बड़ा वो बना दिया है। एक इतनी टेक्निकल इशू है, एक इतना जिसको सिर्फ एक अच्छी इंक्वायरी, एक अच्छी कोर्ट इंक्वायरी जो है वो उसका उसके नतीजे पर पहुंच सकती है। ये सब अंदेशे हैं और अंदेशा लगाने से अफवाहें उड़ती हैं, कल बड़ी बड़ी बातें करने लग गए लोग। एक बहुत ही हमारे साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट और एक ट्रेजिक इवेंट है, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट है। उस ट्रेजिक एक्सीडेंट का जो एक्चुअल है वो हमारा लॉस है। तो पहले लॉस और लॉस को कैसे देश उसको कैसे उससे उभरेगा उस पर चिंतन करें, ना कि एक ऐसा टेक्निकल इशू जो कि बहुत एक्सपर्ट इंडियन एयरफोर्स के पास, इंडियन आर्मी एविएशन के पास बहुत तजुर्बा है कि अगर एक्सीडेंट होते हैं तो किस कारण से हो सकते हैं, क्या टेक्निकल। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं आपको। इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, इंडियन एयरफोर्स का बयान क्या उन्होंने कहा है, क्या अपील की है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इतनी बड़ी जब दुर्घटना हुई 8 तारीख को परसों, तब से लेकर अभी तक कई किस्म के कयास लगने लगे। हेलीकॉप्टर बिल्कुल नया था, बहुत मजबूत, बहुत भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ही VVIP फ्लाइट्स में होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी VVIP जब कहीं फॉरवर्ड इलाके में जाता है जहां पर एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता, वहां पर उसको हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है और वो हेलीकॉप्टर Mi-17 होता है। उस पर भी ये हेलीकॉप्टर Mi-17V5 था। 2011 में इनका इंडक्शन शुरू हुआ था। दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में ये माना जाता है। फ़्लाइट बहुत लंबी नहीं थी, उन सारे इलाकों में जो भी ये हेलीकॉप्टर जो सुलूर एयरबेस पर तैनात हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं वो अक्सर उन इलाकों में आते जाते रहते हैं, क्योंकि वेलिंगटन एक ऐसी जगह है जहां पर VVIPs का आना जाना लगातार बना रहता है, सीनियर अफसरों का आना जाना जो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। रास्ता जाना पहचाना था, हेलीकॉप्टर बहुत मजबूत और भरोसेमंद था। जो उसके पायलट थे विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, वो उस हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे और बहुत अच्छे, बहुत अनुभवी पायलट थे। आखिरकार क्या हुआ, इस चीज़ को लेकर कई किस्म के कयास लगने शुरू हो गए थे। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने जो ये ट्वीट किया है उसमें उन्होंने यही बताया है कि ट्राई सर्विस इंक्वायरी हाईएस्ट लेवल पर बना दी गई है, शुरुआत कर दी गई है, बहुत जल्दी उसके नतीजे सामने आएंगे। तब तक अटकलों से बचा जाए, र्यूमर्स न फैलें, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जब अटकलें लगाई जाएँ या र्यूमर्स फैलाए जाएँ, यही इस ट्वीट का मकसद है। कृष्ण मोहन, मैं एक और जल्दी से आपसे जानना चाहता हूँ, ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, क्या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है, कि उससे कोई राज खुला, पता चला कि क्या हुआ होगा उस वक्त? देखिए, हर चीज़ में वक्त लगता है। जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है उसको भी डिकोड किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, एक एक चीज़ को समझा जाएगा। हो सकता है इसमें रूसी विशेषज्ञों की मदद भी ली जाए, इन सारी चीज़ों में वक्त लगता है उसके एनालिसिस करने में, और उसके बाद वो हाईएस्ट लेवल पर जाएगा। उसको हो सकता है कि प्रधानमंत्री के सामने तक रखा जाए, क्योंकि ये मसला जो ये दुर्घटना है इसमें CDS जनरल बिपिन रावत जुड़े हुए थे और उनकी जान चली गई। तो जाहिर है कि जो ये जाँच होगी वो बहुत ही बड़े स्तर पर होगी और उसको बहुत बड़े स्तर पर समझा और विश्लेषित किया जाएगा। इसलिए अभी उस संबंध में कोई भी कयास लगाना बिल्कुल, यही अपील की, बिल्कुल की कयास न लगाएं। कृष्ण मोहन मिश्रा, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन विशंबर दयाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेजेंटिंग Zee News ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।